हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिंगना हेल्थ टिप्स में। दोस्तों, आज की वीडियो कोरोना वायरस से रिलेटेड है, जो कि बहुत तेज़ी से फैल रही है। दोस्तों, आज मैं कोरोना वायरस से रिलेटेड एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने वाली हूँ, जिसकी हेल्प से आप लाइव अपडेट देख पाएंगे, जिसकी हेल्प से आप करंट टाइम की किसी भी कंट्री के बारे में जान पाएंगे कि उस कंट्री में कितने लोग इस वायरस के चपेट में हैं, कितने एक्टिव केसेस हैं, कितने न्यू केसेस हैं, कितने लोग रिकवर हो चुके हैं, कितनी डेथ हो चुकी हैं और कितनी की क्रिटिकल कंडीशन में हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट के जरिए पता चल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी मैं आ चुकी हूँ अपनी मोबाइल के स्क्रीन पर। लाइव अपडेट देखने के लिए आपको अपना गूगल ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको टाइप करना है वर्ल्डोमीटर। दोस्तों, मैं इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, आप वहां से भी जाके इसको ओपन कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको आसानी से जाके ओपन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला लिंक आया है कोरोना वायरस अपडेट, आपको इसको ओपन करना है। दोस्तों, जब आपका लिंक ओपन हो जाएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोरोना वायरस के केसेस जो है 37,26,701, डेथ हो चुकी है 2,58,295, रिकवर हो चुके हैं 12,41,908। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्टिव केसेस हैं 22,26,498, इन माइल्ड कंडीशन में 98% है, सीरियस कंडीशन 2% है। अब क्लोज केस देखिए 15,203 है, यहाँ पे रिकवर और डिस्चार्ज 83% हो चुके हैं और डेथ 17% हो चुकी है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी वर्ल्ड वाइड बता रही हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे टोटल केस दिखा रहा है, यहाँ पे टोटल केस तेज़ी से बढ़ते हुए शो कर रहे हैं। जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है 22 जनवरी से ये केसेस स्टार्ट हुए हैं और ये अभी तक बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखिए टोटल डेथ, ये टोटल डेथ भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। ये डेथ भी आप देख पा रहे हैं 22 जनवरी से स्टार्ट हुए हैं और अभी तक ग्रो कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप सारी चीज़ों की डिटेल पा सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे करंट टाइम की सारी कंट्रीज़ के बारे में डिटेल, कि कितने टोटल केसेस हैं, न्यू केसेस हैं, टोटल डेथ है, न्यू डेथ है, एक्टिव केसेस कितने हैं, सीरियस कंडीशन कितनी है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देख पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए USA, स्पेन, इटली, UK, फ्रांस, जर्मनी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख पाएंगी। दोस्तों, यहाँ आप देख पा रहे हैं ब्राज़ील में 1,15,455 टोटल केसेस हैं, न्यू केसेस मिले हैं 740 और टोटल डेथ हो चुकी है यहाँ पर 7,938, न्यू डेथ मिली है 17। चाइना में भी यहाँ पे 2 न्यू केस मिले हैं और यहाँ पे टोटल केस हो चुके हैं चाइना में 82,883। अब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, अरेबिया, स्विट्ज़रलैंड, मेक्सिको सब देख पाएंगे। यहाँ पर मेक्सिको में भी न्यू डेथ हुई हो चुकी है यहाँ पे +236। यहाँ पे आपको सारी कंट्रीज़ के डिटेल के बारे में पता चल जाएगा। आप यहाँ पे स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन करके, अप एंड डाउन करके आप देख सकते हैं सारी कंट्रीज़ के डिटेल के बारे में। जहाँ पर आप सारी कंट्रीज़ के लाइव अपडेट देख पा रहे हैं, वहाँ पे भी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कोई भी केसेस आपको देखने को नहीं मिल रहेंगी। आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसी भी कंट्रीज़ है जो कि अभी तक ग्रीन जोन में है, 1, 2, 3, यहाँ पे बहुत सी सारी कंट्रीज़ तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ कंट्रीज़ हैं, लगभग 3 से 5 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो अभी तक ग्रीन जोन में है, जहाँ पर जितने भी एक्टिव केसेस आए हैं वहाँ पे उतने रिकवर हो चुके हैं, यहाँ पे कोई भी डेथ नहीं हुई है, ना ही कुछ न्यू केसेस आए हैं। ये सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं ग्रीन जोन की, जितने भी ग्रीन कलर की दिख रही हैं ये सारी कंट्रीज़ में कोई भी न्यू डेथ नहीं आई है, ना न्यू केस आई है और जितने भी केसेस थी वो सारी रिकवर हो चुकी हैं। दोस्तों, यहाँ से आप देख पाएंगे सारी कंट्रीज़ के लाइव अपडेट कि कौन सी केसेस कहाँ पे कितने हैं, कितनी डेथ हुई है, कितने रिकवर हुए हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये लाइव अपडेट मैं बस एक एग्जांपल के रूप में आपको समझाई हूँ
आपको अगर करंट का देखना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इस वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करके आप करंट की अपडेट ले सकते हैं। दोस्तों, आप इस वेबसाइट को एक बार ओपन कर जरूर देखिएगा। मैं इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी। आपको कोई भी क्वेरीज हो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा बस एक ही मकसद है कि 22 जनवरी से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है और अभी तक ये लॉकडाउन चल रहा है, तो मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।